नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर म्यूजिक वोकल, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज के इस सेशन में बच्चों आप सबका स्वागत है। आज का ये सेशन जो है वो बीए पार्ट थर्ड ईयर के गर्ल्स के लिए है, जिसमें आपका एक टॉपिक है, पेपर सेकंड से है, जिसका नाम है राग वर्गीकरण। राग वर्गीकरण पे अपन बात करने से पहले वर्गीकरण पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। वर्गीकरण का अर्थ मैं आपको बता देती हूं। किसी भी विषय, किसी कला या किसी वस्तु आदि की जब विभिन्न प्रकार से अधिकता हो जाती है, तब उसके स्वव्यवस्थित अध्ययन या जानकारी के लिए अनेक अलग अलग वर्ग बना लिए जाते हैं, जो उनकी पहचान कराते हैं। इसी को वर्गीकरण की संज्ञा दी गई है। वर्गीकरण का प्रचलन हम प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं। जैसा कि प्राचीन काल में वाद्यों का वर्गीकरण प्रचलित था और कई अन्य वर्गीकरण भी प्रचलन में आते रहे हैं, उसी के साथ उसी की एक कड़ी में राग वर्गीकरण भी एक प्रमुख स्थान रखता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि समय समय पर परिस्थितियों के बदलने में देश में हर क्षेत्र में परिवर्तन बदलाव होते ही रहे हैं, जिसमें संगीत के क्षेत्र में भी बदलाव आता रहा है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक देश, काल तथा परिस्थितियों के आवर्तन और अनुवर्तन के फलस्वरूप रागों का वर्गीकरण भी भिन्न भिन्न रूपों में होता आया है। रागों का रूप समय के प्रभाव के साथ ही बदलता रहा। संगीत के इतिहास का अवलोकन करने से पता चलता है राग वर्गीकरण की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने समय समय पर रागों का विभिन्न ढंग से वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण की परंपरा में जो वर्गीकरण प्रमुख हैं, उनके नाम हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, उनके नाम मैं बता रही हूं। पहला है ग्राम राग व देशी राग वर्गीकरण, दूसरा है राग रागनी वर्गीकरण, तीसरा है मेल अथवा थाट वर्गीकरण, चौथा है रागांग राग वर्गीकरण। इसके अतिरिक्त जो वर्गीकरण प्रचलित थे वो कई और भी हैं, जैसे समय के अनुसार राग का वर्गीकरण, रस के अनुसार राग का वर्गीकरण आदि आदि। सबसे पहले हम ग्राम राग और देशी राग के बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन संगीत में भी तंत्र वाद्य वीणाओं के विभिन्न प्रकार तथा पुष्कर जैसे अवनत्य वाद्यों, सुशीर एवं घन वाद्यों के वर्गीकरण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जातियों के भी वर्ग बनाए गए। इसी प्रकार संगीत के स्वरूप को देखते हुए मार्गी और देशी ये दो वर्ग प्रचलन हुए। ग्राम राग और देशी रागों के वर्ग भी संभवतः इसीलिए बनाए गए होंगे क्योंकि भरत निर्दिष्ट जातियों का लोप हो चुका था और उन्हीं स्वरावलियों से विभिन्न प्रकार के राग प्रचार में आने लगे थे। कुछ राग प्राचीन जातियों के से संबंधित थे, कुछ प्रादेशिक गीत शैलियों से प्रभावित थे, तो कुछ ऐसे राग थे जिनमें प्राचीन और नवीन स्वरावलियों का मिश्रण रहा होगा। इसी कारण 13वीं शताब्दी यानी पंडित शारंगदेव के समय अलग अलग तौर तरीके से अनगिनत राग रूपों का पर्याप्त मात्रा में प्रचलन हो चुका था।
इसलिए पंडित शारंगदेव ने प्राचीन जाति गायन से संबंधित तथा अपने समय में प्रचलित समस्त रागों को मूल रूप से दो वर्गों में विभाजित किया, जो निम्नलिखित हैं: पहला ग्राम राग और दूसरा है देशी राग। इन्हीं दो वर्गों के अंतर्गत तत्कालीन जितने भी शास्त्रीय और प्रादेशिक धुनों पर आधारित देशी राग थे, उन सभी को सम्मिलित कर लिया। इसके अलावा इन्हीं रागों के विभिन्न स्वरूपों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें विद्वानों ने रत्नाकर के दशविध वर्गीकरण की संज्ञा दी है, जैसे ग्राम राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा, रागांग, क्रियांग, उपांग और भाषांग। इस संबंध में सुभद्रा चौधरी का कहना है कि शारंगदेव ने ग्राम राग, उपराग और राग आदि की संज्ञाओं का उल्लेख तो किया है, किंतु इनके बारे में कुछ अधिक नहीं बताया। अतः विभिन्न विद्वानों के मतानुसार ग्राम और देशी रागों के अंतर्गत सभी देशी और प्रादेशिक धुनों पर आधारित रागों को दो वर्गों में बांटा, ग्राम राग एवं देशी रागों के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। प्राचीन काल में वाद्यों के वर्गीकरण के अलावा जातियों के वर्गीकरण भी बताए गए और इसी प्रकार संगीत के स्वरूप को देखते हुए मार्गी और देशी ये दो वर्गों का प्रचलन हुआ। ग्राम राग और देशी राग के वर्ग भी ऐसा लगता है संभवतः इसीलिए बनाए गए होंगे, क्योंकि भरत निर्दिष्ट जातियों का लोप होता हो चुका था और इन्हीं स्वरावलियों से विभिन्न प्रकार के राग प्रचार में आने लगे थे। कुछ राग प्राचीन जातियों से संबंधित थे, कुछ प्रादेशिक गीत शैलियों में प्रभावित थे, कुछ ऐसे राग थे जिनमें प्राचीन और नवीन स्वरावलियों का मिश्रण रहा था। इसी कारण 13वीं शताब्दी यानी पंडित शारंगदेव के समय अलग अलग तौर तरीके से अनगिनत राग रूपों का पर्याप्त मात्रा में प्रचलन हो चुका था, इसलिए शारंगदेव ने प्राचीन जाति गायन से संबंधित तथा अपने समय में प्रचलित समस्त रागों को मूल रूप से दो वर्गों में विभाजित किया, जिनमें से ग्राम राग और देशी राग ये दो प्रमुख हैं। इन्हीं के अंतर्गत जितने भी शास्त्रीय और प्रादेशिक धुनों पर आधारित देशी राग थे, उन सभी को सम्मिलित कर लिया गया, जैसे कि ग्राम राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा, रागांग, क्रियांग, उपांग और भाषांग। विद्वानों ने रत्नाकर के दशविध वर्गीकरण की संज्ञा दी। शारंगदेव के दशविध वर्गीकरण ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा, रागांग, क्रियांग, उपांग, भाषांग आदि में क्रमशः ग्राम राग, राग और उपराग, ये जो तीन राग ऐसे थे जो प्राचीन जातियों से संबंधित थे, भाषा, विभाषा और अंतरभाषा, ये तीन राग संगीत के प्रादेशिक शैलियों से संबंधित थे, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ये जो चार राग थे, इन्हें प्राचीन जातियों एवं प्रादेशिक भाषाओं के अंगभूत स्वरों के मिश्रण में माना गया था। पंडित शारंगदेव ने भी मूलतः तत्कालीन सभी प्रचलित रागों के वर्गीकरण के लिए ग्राम राग और देशी राग जैसे दो वर्ग बनाए, ग्राम राग के भी छह वर्ग या गुट बनाए, जैसे ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा। ग्राम राग 13वीं शताब्दी में गाए जाने वाली राग पद्धति रही होगी, जिसमें प्राचीन जातियां और देशी रागों के स्वरूप का मिश्रण था, बल्कि ग्राम राग प्राचीन जातियों और आधुनिक रागों के बीच की कड़ी समझे जा सकते हैं। पांच गीतियों
जो आपको श्लोक के माध्यम से बताया गया है, इन्हीं पांच गीतियों से 5 ग्राम राग थे। इस प्रकार से ये 5 गीतियां क्रमशः शुद्धा, भिन्ना, बेसरा, गौड़ी और साधारणी थी। क्योंकि गीति का अभिप्राय स्वरों के विभिन्न प्रयोग या स्वरों को विशेष प्रकार से लगाने से था, अतः विविध प्रकार के स्वर प्रयोगों द्वारा 5 गीतियों ने ग्राम रागों को आकार दिया। इसीलिए संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से 5 ग्राम रागों का उल्लेख मिलता है। जैसे शुद्धा गीति से शुद्ध ग्राम राग, गौड़ी गीति से गौड़ ग्राम राग, बेसरा गीति से बेसर ग्राम राग, भिन्ना गीति से भिन्न ग्राम राग और साधारणी से साधारण ग्राम राग, ये 5 प्रकार हैं। पहला, ग्राम राग प्राचीन जातियों और रागों के बीच की कड़ी है। ग्राम राग प्राचीन जातियों के से संबंधित थे। ग्राम राग षड्ज और मध्यम ग्राम से बनाए गए थे, इसलिए रत्नाकर के अनुसार 13 ग्राम राग षड्ज ग्रामिक थे और 14 ग्राम राग मध्यम ग्रामिक थे। अतः षड्ज और मध्यम इन दोनों ग्रामों से क्रमशः 13, 14 यानी कि 27 ग्राम थे। ग्राम रागों के अंतर्गत उपराग, राग, भाषा, विभाषा और अंतरभाषा को भी रखा गया। इस तरह से उपराग और राग, उपराग भी जातियों से संबंध उसका संबंध था, लेकिन उपराग को ग्राम राग के अंतर्गत मानकर इनका अलग अलग वर्ग बनाया गया। ये राग आकार और स्वरूप में बहुत कुछ ग्राम रागों की विशेषता लिए हुए थे। राग, ग्राम राग और उपराग जिस प्रकार प्राचीन जातियों से संबंधित बताए गए, उसी प्रकार राग भी जातियों से संबंधित थे। ग्राम रागों के पश्चात उन रागों का उल्लेख है जो देशी राग थे। देशी रागों के संदर्भ में लिखा गया है, 13वीं शताब्दी तक प्राचीन जातियों का स्थान रागों ने लिया। देश के विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं का प्रयोग भी होने लगा। स्थान की दूरी और जगह जगह की जब जलवायु के प्रभाव के आधार पर स्वरोच्चारण में भी विभिन्नता आने लगी। उसके परिणाम स्वरूप संगीत की रचनाओं में प्रादेशिक भाषाओं के कारण विभिन्न प्रकार की गीत शैलियों का प्रचार में आना हुआ। संभवतः ये गीत शैलियां जो थी वो भाषा कहलाई। इन्हीं के अंतर्गत अनेक देशी रागों का प्रचलन हुआ। इसीलिए रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग जैसे रागों को देशी रागों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। रागांग वे देशी राग थे जिन पर ग्राम रागों की छाया थी और ग्राम रागों के नियमों में कुछ परिवर्तन आने से विकार उत्पन्न हुए और इस प्रकार से जो राग निर्मित हुए उन्हें रागांग राग कहा गया। जैसे कि शंकराभरण, दीपक और भैरव राग। भाषांग राग के राग वे थे जिन पर विभिन्न प्रदेश की भाषाओं की गीतियों की छाप थी, अर्थात भाषा रागों का छाया लेकर जो राग बनाए गए थे भाषांग राग कहलाए थे। उस समय प्रचलित जो राग थे सावेरी इत्यादि भाषांग राग थे। क्रियांग राग ये भाव प्रधान थे जिनका प्रयोग अधिकांशतः नाट्य के अभिनय प्रधान गीतों में हुआ करता था। विद्वानों के मतानुसार शारंग देव के क्रियांग राग आधुनिक ठुमरी जैसी गीत शैली की तरह थे जिनमें भावों की प्रधानता थी। जिस तरह की ठुमरी में भाव की प्रधानता पर अधिक जोर दिया जाता है,
इसीलिए इनका प्रयोग नाट्य में भी होता था। इस प्रकार शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीतकार में संगीत रत्नाकर में कुल 264 रागों का उल्लेख किया, जिनमें 178 ग्राम राग और 86 देशी राग थे। तो इस तरह से आज हमने जो अपने इस वीडियो में राग वर्गीकरण पर चर्चा की, वो शुरू के दो टॉपिक थे, ग्राम राग और देशी राग। इन वर्गीकरणों पर हमने चर्चा की। आगे की वीडियो में हम दो जो रहे हैं रागांग और वर्गीकरण, मेल थाट वर्गीकरण, इस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक्स।